नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंग्लिश पोएट्री का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका नाम है द लेबर्नम टॉप। इसके लेखक हैं टेड ह्यूज। वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। चलिए चैप्टर पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, अर्थात आप कविता के आरंभ और अंत में क्या देखते हैं। इसका आंसर है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज द लेबर्नम टॉप विच साइलेंट एंड द लास्ट लाइन इज एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी द इंटायर एक्टिविटी ऑफ गोल्ड फिंच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेबर्नम ट्री टू बीकेम वाइब्रेंट, अर्थात कविता की पहली लाइन में लेबर्नम टॉप अर्थात लेबर्नम का शीर्ष शांत रहता है और आखिरी लाइन में लेबर्नम का शीर्ष खाली हो जाता है। गोल्ड फिंच की पूरी गतिविधि लेबर्नम के पेड़ के जीवित रहने का जिम्मेदार है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, टू व्हाट इज द बर्ड्स मोमेंट कंपेयर्ड, अर्थात पक्षी के गति की तुलना किससे की गई है। इसका आंसर है, द बेसिस ऑफ द कंपेरिजन इज द स्लिक एब्रूट एंड अलर्ट मोमेंट ऑफ ए लिजर्ड, अर्थात तुलना का आधार छिपकली का चिपकना और सतर्क चाल है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट, अर्थात कवि के द्वारा इंजन के चित्र की कल्पना क्यों की जाती है। इसका आंसर है, द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन मशीन, इट इज कंपेयर टू बर्ड एसी टू ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली एज विदाउट इंजन ए मशीन कांट वर्क इन द सेम विदाउट ए वर्ड हर फैमिली कांट सर्वाइव, अर्थात इंजन मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा का स्रोत है और इसकी तुलना पक्षी से की जाती है क्योंकि वह अपने परिवार के लिए ऊर्जा का स्रोत है। जैसे इंजन के बिना एक मशीन काम नहीं कर सकती, उसी तरह एक पक्षी के बिना उसका परिवार जीवित नहीं रह सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, अर्थात आप कविता में सबसे अच्छा क्या पसंद करते हैं। इसका आंसर है, लाइक द सिंप्लिसिटी एंड पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द पोएम द कंपेरिजन बिटवीन बर्ड मोमेंट विथ मशीन एंड लिजर्ड मेड इन नाइस वे आल्सो चिरपिंग एंड ट्रिलिंग ऑफ गोल्ड फिंच, अर्थात मुझे कविता की सचित्र प्रस्तुति पसंद है। मशीन और छिपकली के साथ पक्षी की तुलना अच्छे तरीके से की गई है और साथ साथ गोल्ड फिंच का चहचहाना भी पसंद है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज हर वेरेड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन, अर्थात वाक्यांश हर वेरेड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन इसका क्या अर्थ है। इसका आंसर है, द वर्ड रेफर टू द बर्ड बैरेड और कबर्ड फेस एक्टिंग एज एन आइडेंटिटी मास्क हर स्ट्रिप्ड फेस मेक्स हर डिस्टिंक्टिव एंड दिस फेस बिकम हर आइडेंटिफाइंग मार्क एज सी रिमेन हिडन इन थिकनेस, अर्थात यह शब्द चिड़िया को वर्जित या फिर ढके हुए चेहरे को संदर्भित करता है जो एक पहचान मुखौटा के रूप में कार्य करता है। उसका धारीदार चेहरा उसे विशिष्ट बनाता है और यह चेहरा उसकी पहचान का निशान बन जाता है क्योंकि वह मोटाई में छिपी रहती है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।